हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी नेचुरल विद ज्योतिका। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने होठों को बेबी सॉफ्ट और पिंकीज कैसे बना सकते हैं और होठों पर जो ब्लैक डेड स्किन छा जाती है जिसके कारण हमारे होठ काले पड़ जाते हैं, वे भद्दे दिखाई देने लग जाते हैं और होठ काले पड़ जाने के कारण कहीं ना कहीं हमारे चेहरे की खूबसूरती छिन जाती है। तो इसलिए मैं आपको वीडियो के अंत में एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी जिससे कि आप अपने होठों को मुलायम व गुलाबी कर सकते हैं। परंतु उससे पहले हम यह जान लें कि हमारे होठ काले होने का मुख्य कारण क्या है, किस कारण से हमारे होठ काले पड़ जाते हैं। अगर आप धूप में घूमते हो या फिर देर तक बाहर काम करते हो जहां पर पोल्यूशन ज्यादा हो, उस कारण भी हमारे होठ काले पड़ सकते हैं। या फिर स्मोकिंग करने से, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म चाय या फिर कॉफ़ी का सेवन करते हो, इस कारण भी हमारे होठ काले पड़ जाते हैं। लड़कियों में लिपस्टिक की वजह से भी एकदम गाढ़े रंग की लिक्विड मैट लिपस्टिक लगाना, इससे भी हमारे होठ जल्दी ही काले पड़ जाते हैं। अगर आपके परिवार में किसी के लिप्स काले हों तो आपके भी काले होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर कुछ विटामिन की कमी की वजह से भी ऐसा कालापन देखा जा सकता है। या फिर आपको कोई एलर्जी हो, जैसे कि कोई कॉस्मेटिक लगाने से, लिपस्टिक लगाने से आपको आपके होठों पे दाग धब्बे हो जाते हैं, इस कारण भी हमारे होठ काले पड़ सकते हैं। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने होठों को गुलाबी वे मुलायम कैसे बना सकते हैं, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां अपने होठों को गुलाबी करने के लिए न जाने कितने ही प्रकार की लिपस्टिक, रंग बिरंगी लिपस्टिक लगाती है जिससे कि उनके होठ ज़्यादा काले पड़ जाते हैं। तो मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताती हूँ जिससे कि आप अपने होठों को नेचुरली गुलाबी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक बाउल लेना है, इसमें हमें एक चम्मच पीसी हुई चीनी डालनी है और हमें उसके अंदर एक चम्मच ग्लिसरीन ऐड करना है और उसके अंदर हमें एक चम्मच नींबू का रस ऐड करना है और उसमें एक चम्मच हमें शहद ऐड करना है और उसे अच्छी तरीके से मेल्ट करना है। और इसका कलर ऐसा आएगा और इसे हमें इस तरीके से अपने हाथों पर, होठों पर स्क्रब 5 से 10 मिनट तक स्क्रब करना है जिससे कि आपके होठों पर जो डेड स्किन, ब्लैक परत छाई हुई है वो उतर जाएगी और आपके होठ पहले से ज़्यादा सॉफ्ट और गुलाबी दिखाई देने लग जाएंगे। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।